हेलो जेमिनीज, मैं हूँ किरण शापुरी और यह है मई 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि मई मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। और अगर मैं ओवरऑल देखूं जेमिनीज, तो मई मंथ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, बट कहीं आप दोनों की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेके आप दोनों ही परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है वो एक ही चीज़ है जिसके लिए आप दोनों परेशान हैं, या आप दोनों की अलग अलग वजहें हैं परेशानी की। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आपसे अगर शुरू करें जेमिनीज, आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं मई स्टार्टिंग में, मई मंथ में, या हो सकता है अभी भी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप छोटी छोटी सी बातों के लिए इरीटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और कभी कभी होता है ना कि हम अच्छे मूड में नहीं होते हैं, हमसे कोई कुछ कहता है और हम उन्हें उल्टा ही जवाब दे देते हैं। तो कहीं कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, और इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कार्ड्स मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है आप अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं मई मंथ में। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि शायद आप बहुत कुछ अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ उनको बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ उनको कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है, शायद इसलिए आप बहुत इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं। शायद इसीलिए कहीं एक बोर्डम भी आप महसूस कर सकते हैं मई मंथ में। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं एक बोर्डम है, एक मोनोटनी है। सब कुछ हो सकता है आपके आसपास बहुत अच्छा है, बट फिर भी आपको वो खुशी नहीं दे पा रहा है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है। कभी कभी होता है ना, हमारा मन उचाट हो गया, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। या हो सकता है पीछे कोई चीज़ आपने मिस कर दी, इसलिए आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में है जहाँ पे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है मई मंथ में आप ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। यहाँ पे मास्टर का कार्ड भी कहीं मुझे वही चीज़ बोल रहा है कि आप कंप्लीट फेथ रख रहे हैं अपने ऊपर, या जिस गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ सिस्टम है कि आखिर में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कहीं आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई बड़े हैं आपके घर में, आप उनकी एडवाइस ले रहे हैं, उनको एडवाइस दे रहे हैं, या अगेन हो सकता है कोई रिलीजियस फिगर हैं आप जिनको मानते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बाय द बुक चल रहे हैं, टेक्निकली राइट होके चल रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हों या आपको कोई पिन पॉइंट करे। तो कहीं टेक्निकली अपनी ड्यूटी करते हुए दिख रहे हैं, अपनी तरफ से सब चीज़ें ठीक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेथ पे चल रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं आपकी एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं है, बट फिर भी आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी कहीं आप अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हैं, या मैं कहूँगी कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या रिलीजन की हेल्प ले रहे हैं अपने आप को बेटर फील करने के लिए। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं वो। यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उनसे हुई हैं, आपसे हुई हैं, या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं उनके माइंड में, कुछ अफसोस है भाई ऐसा नहीं होता तो बेटर हो जाता, और ये मिस्टेक्स मुझे उनकी तरफ से ही ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि उनके लिए फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। और यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स का
कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है रात को अच्छे से सो भी ना पा रहे हों, बहुत एक लो एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक मुझे नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं उनके माइंड में। और यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है शायद बहुत सारी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। अगेन बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप थोड़े से इरिटेटेड हो रहे हैं, आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हैं इसलिए हो सकता है वो परेशान हो रहे हों, पास्ट में कोई चीज़ हुई है इसलिए परेशान हो रहे हों। लेकिन कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। और हो सकता है कुछ जेमिनीज के पार्टनर रात को अच्छे से सो भी ना पा रहे हों, या हो सकता है कुछ जेमिनीज के पार्टनर की हेल्थ बहुत ग्रेट नहीं है। और यहाँ पे डीपर लेवल पे मैं देखूँ तो पोस्टपोनमेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद कुछ डिलेज हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं नहीं मिल पा रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई चीज़ डिले हो रही है शायद इसलिए वो बहुत परेशान हो रहे हैं, शायद उनको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं नहीं करना चाहते हैं शायद इसलिए परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे ड्रीम का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके लिए उनके मन में बहुत प्यार है, मोहब्बत है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और हो सकता है कि आपके सपने भी उनको आते हों क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है आपके बारे में उनको काफ़ी ड्रीम्स आते हों और कहीं उनके माइंड में एक विजन है इस रिलेशनशिप के लिए, इस लव लाइफ के लिए, उसको कैसे वो रियलिटी में कन्वर्ट करें इसके बारे में भी हो सकता है सोचते हों। तो अगेन अगर ब्रॉडली देखें कि आपके पार्टनर कि मई मंथ में क्या एनर्जीज हैं, तो किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान दिख रहे हैं, हो सकता है कि उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं इसलिए परेशान हैं, कुछ चीज़ें उनकी पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और आपके लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है विक्ट्री, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ें आप मई मंथ में अचीव करना चाहते हैं, और विक्ट्री कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि आप अचीव कर पाएंगे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इस लव लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जो आप अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ में, या इन जनरल ज़्यादा सोशलाइज करना चाहते हैं, ज़्यादा शेयरिंग करना चाहते हैं, तो ये आप अचीव कर पा रहे हैं। या हो सकता है कि आपके बहुत एक नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आप उनसे अपने आप को ओवरकम कर पा रहे हैं, तो ये एक विक्ट्री महसूस कर रहे हैं। तो कहीं एक विक्ट्री वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं मई मंथ में। यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में रहे हों, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हों, वो क्लियर हो गई हैं, तो इसलिए आप एक विक्ट्री महसूस कर रहे हैं। या अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो आप लोग मुझे काफ़ी मिलते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का कार्ड मुझे बोल रहा है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर हो सकती हैं। लेकिन कहीं यहाँ पे केश लव का कार्ड मुझे कह रहा है फिर भी आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि इस रिलेशनशिप की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से आप बहुत बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, कहीं प्यार तो है बट एक फ्रीडम नहीं है। बट कहीं मई मंथ में मैं कहूँगी कि इतना प्यार भी आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा है, तो शायद कुछ चीज़ें आप अचीव कर भी रहे हैं, जैसे कि रीयूनियन हो रहा है, आप मिल रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, बट कहीं आपको लग रहा है कि शायद हो सकता है उतना लव नहीं मिल पा रहा है इसलिए आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मास कार्ड मुझे कह रहा है कि आप दोनों में से ही कोई एक कुछ तो है जो छुपा रहा है। कहीं इस रिलेशनशिप में मई मंथ में मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही, दो अगेन एक रीयूनियन हो सकता है, एक यूनियन हो सकता है, आप लोग एक दूसरों से बातें करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अचीव भी करते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं एक क्लैरिटी नहीं है। आप दोनों ही या आप दोनों में से कोई एक कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, इंटेंशंस बहुत क्लियर नहीं दिख रही हैं, और ये एनर्जी ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं, शायद इसीलिए आप एक बंधन भी महसूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अचीव करने के बाद भी कहीं एक हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर रहे हैं, खुशी आप नहीं महसूस कर रहे हैं।
तो ये थी जेमिनीज आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।